मैं रजनीश फिजिकल एजुकेशन टीचर इस स्कूल में हूँ पिछले 26 साल से। पीरियड का तो टाइम निश्चित है 35 मिनट 40 मिनट, लेकिन स्कूल के बाद ये प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लगता है देखते हुए। इनकी फिजिकल फिटनेस भी बढ़ेगी। इस समय बच्चों के अंदर कोरोना काल के अंदर देखा गया कि अब कोई भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो पाई है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई है। इसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से बच्चे जब हम देखते हैं कि अड्डा में कोई बच्चा कैरम खेल रहा है, कोई अपना फुटबॉल खेल रहे कोशिश कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कोई स्कीपिंग कर रहा है, या कोई भी आपका जिम बना रखा बड़ा सुंदर जिम है, और जो ये आपकी इंटरव्यू टीम है इसके अंदर भी हमारा बच्चा आपके मेरी इंटरव्यू में सामने बैठा हुआ है। तो बेटरमेंट के लिए हम सरकारें भी लगी हुई हैं, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। आपका एक एडिशनल चार्ज हो जाता है क्योंकि बच्चा अपने मन से आता है आपके पास। अगर हमें तो वो जो काम करना है जो सिलेबस है तो पढ़ाने पढ़ाना है, या उसका कराने कराना है। उस बच्चे का मन है कि मुझे कारपेंटिंग करनी है, या मुझे खाना बनाना है, या मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, तो आपके डिफरेंट जो कोर्सेज है ना बच्चा उसमें अट्रैक्ट होता है। और मेरा मानना है कि बच्चे को या किसी भी आदमी को वो काम करना चाहिए अगर उसकी हॉबी उसका पैशन बन जाए, अगर उसका मन जो है जिस काम में लग रहा है वो उसका प्रोफेशन बन जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। हमारे स्कूल के बच्चे आपके द्वारा डिफरेंट टाइप की जो कॉम्पिटिशन है वहाँ जा रहे हैं, या आप पिकनिक पे ले जा रहे हैं, या किसी और कंपनीज में ले जा रहे हैं, वो सब जो है ना बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों का एक्सपोज़र मिलता है, बच्चों को एक्सपोज़र मिलता है वजह। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी मैनेजमेंट ने परमिशन दे रखी है। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, डिफरेंट टाइप के जो आपके आउटसोर्स जो लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं और हमसे भी मिलते हैं, हमसे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। नई नई आइडियाज़ हमने भी देखा कि हमने कभी अड्डा, तो अड्डा नाम हमारे दिमाग में नेगेटिव जाता था पहले, लेकिन अब समझ में आते तो क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी जो हमेशा अच्छी होती है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, सबके लिए।